जेल के भीतर अब हम आ पहुंचे हैं और मेन गेट के बाद सीधे आ पहुंचे हैं गांधी यार्ड। आपको बता दें कि ये जगह भी बेहद खास है क्योंकि महात्मा गांधी जी को यहां पर रखा गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं यहां पर, वो पूरी जानकारी भी दी गई है कि कब महात्मा गांधी जो हैं वो यहां पर आए थे। साथ ही अगर हम बात करें कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन्हें यहां रखा गया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी, चाहे बड़ी हस्तियां जो हैं उनको यहाँ पर रखा गया था। बाला साहब ठाकरे को भी यहाँ पर लगभग 3 महीने के लिए रखा गया था। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपको याद हो तो 26/11 के मुख्य आरोपी अजमल कसाब को इसी जेल में फांसी दी गई थी। यहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा और अंदर लिए चलते हैं। इस पूरे इलाके को पर्यटकों के लिए खोला गया है, साथ ही खासकर स्कूली बच्चे और कॉलेज के जो बच्चे होंगे वो आएंगे, क्योंकि ये नियम तय किया गया है कि 50 की संख्या में ही लोग यहाँ पर आएंगे, तब आसानी होगी। जो जेल प्रशासन है उनको भी ये दिखाना आसान होगा क्योंकि एक साथ लोग जो हैं बड़ी संख्या में आएंगे, ऐसे में एक एक कर उनको ये सारी जानकारी यहाँ पर क्या कुछ घटा था वो दिखाया जाएगा। आगे लिए चलते हैं। ये इलाका आप देखिए गांधी यार्ड में अभी भी हम मौजूद हैं और पीछे यहाँ पर आपको गांधी जी की एक छोटी सी मूर्ति भी नजर आ रही होगी। ये मूर्ति भी पर्यटकों के लिए खोली गई है, वो आकर यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि 150 एकड़ में ये पूरा इलाका जो है वो फैला हुआ है, और अगर कैदियों की संख्या की हम बात करें तो 3,500 से ज़्यादा कैदी यहाँ पर रखे जा सकते हैं। 150 साल पुराने इस पूरे इलाके में आपको बताएं कि संजय दत्त जो थे वो भी यहीं पर रखे गए थे, और कई ऐसी घटनाएं जो हैं वो यरवदा जेल से जुड़ी हुई है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने अब ये तय किया है कि यरवदा के अलावा दूसरे फेज में नागपुर सेंट्रल जेल जो है उसको भी पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। जो स्कूली बच्चे होंगे, कॉलेज के बच्चे होंगे, उनके लिए जो चार्जेस हैं वो आम पर्यटकों के मुकाबले कम होंगे। यरवदा जेल में इस वक्त हम गांधी यार्ड में मौजूद हैं और यहाँ पर आप सीधे ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं गांधी जी की ये प्रतिमा यहाँ पर नजर आ रही है। और जरा धीरे धीरे आपको आगे लेकर चलते हैं और कोशिश करेंगे दिखाने की कि आखिर इतिहास के उन पन्नों में क्या कुछ दर्ज हुआ, जब गांधी जी यहाँ पर थे तो क्या कुछ घटा था, इसकी जानकारी भी इस जेल में यहाँ पर दी गई है। देखिए आप देख सकते हैं इन पत्थरों पर लिखा गया है कि जब गांधी जी यहाँ पर थे 1932-33 में इसी कमरे का उपयोग राष्ट्रपिता गांधी जी हरिजन के संपादक कार्य के लिए किया करते थे और इसी स्थान पर अभ्यागतों से मिलते थे। दिन का समय जो है वो इसी हाथ में बीतता था। साथ ही आपको बताएं कि यहाँ पर विख्यात यरवदा समझौता जो है वो पूर्ण हुआ था। एक और यहाँ पर पत्थर है जिस पर जानकारी दी गई है, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपिता अपना प्रसिद्ध उपवास इसी स्थान पर किया था, यरवदा जेल के इसी गांधी यार्ड में, और इसका फल सर्वश्रुत यरवदा समझौते में निकला था। इसी समझौते में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी बड़ा हिस्सा था। यरवदा जेल के इसी बैरक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को रखा गया था, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी भी तस्वीर यहां पर महात्मा गांधी जी की लगाई गई है, जोत जलाई गई है। साथ ही नीचे आपको चरखा नजर आ रहा होगा, ये चरखा महात्मा गांधी जी का है, जब वो जेल में थे उस दौरान भी वो चरखा चलाया करते थे। और साथ ही तस्वीरें आपको दिखाएंगे कैमरा पैन करके हमारे कैमरा पर्सन सुभाषीष दाम, महात्मा गांधी 1932 उस समय उस दौरान यहाँ पर इस जेल में थे, और ये डिटेल्स आप देख सकते हैं, ये जानकारी है जब वो जेल के भीतर थे तो क्या क्या उन पर मुकदमे जो थे वो दर्ज किए गए थे, किन एक्ट्स के तहत उनको यहाँ पर रखा गया था। साथ ही जब वो आए थे तब से लेकर जो कुछ भी दिनचर्या थी या जो कुछ भी यहाँ पर किया जाता था वो सब इस रजिस्टर में पहले से ही दर्ज किया गया है।
साथ ही ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये तस्वीर है, जब अ फोटोग्राफ ऑफ यरवदा जेल इन 1932, जब यहाँ पर महात्मा गांधी जी आए थे उस वक्त की ये तस्वीर है। जरा आगे बढ़ते हैं, आपको एक और बैरिक दिखाते हैं। महात्मा गांधी जी जहाँ पर थे उसके ठीक बगल वाला ये एक बैरिक है। बैरिक आप देख सकते हैं और इसे अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा एक आम बैरिक होता होगा और कैसे कोई कैदी यहाँ पर रहता होगा। बात करते वक्त भी आवाज गूंज रही है, ऊपर खिड़की बनाई गई है जिसे कोई भी कैदी भागने की कोशिश नहीं करे। बड़े बड़े यहाँ पर दरवाजे हैं और यहाँ से निकल पाना बेहद मुश्किल है। जरा आगे बढ़कर आपको हम एक और तस्वीर दिखाते हैं, पुणे करार, जो कि बेहद अहम माना जाता है इतिहास के पन्नों में, और उसकी भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं 24 सितंबर 1932 पुणे, जो मध्यवर्ती कारागृह है यरवदा पुणे, यहाँ पर तब की ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुणे करार, आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, साथ ही गांधी जी भी इसमें हैं। इस वक्त जिस बैरक में हम खड़े हैं ये ठीक वो बैरक है जहां पर गांधी जी थे, उसके बगल वाला बैरक, यानी इस दीवार के ठीक पीछे गांधी जी को रखा गया था। बैरक आपको दिखाते हैं, इसकी बनावट आपको दिखाते हैं, ऊंची ऊंची दीवारें आप देख सकते हैं और खिड़की भी इतनी ऊपर है कि कोई भी यहाँ से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। साथ ही जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हमें अपनी ही आवाज गूंजती हुई नजर आ रही है। और ये आप देख सकते हैं कि जेल में अमूमन हम देखते हैं कि इसी तरह के दरवाजे होते हैं, साथ ही एक छोटी सी यहाँ पर खिड़की बनाई गई है जिससे इस बैरक में अगर कोई बैठा है और वो कोई मैसेज बगल वाले बैरक के इंसान को देना चाहता है तो वो दे सकता है। और अब आम जनता भी यहाँ पर आकर देख पाएंगे कि आखिर यहाँ पर कैसे उस वक्त लोग रहा करते थे, साथ ही अभी भी जो कैदी इस जेल में है वो कैसे रहते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर इस इलाके को आप देखिए क्लीन किया गया है, क्योंकि पर्यटक आएंगे यहाँ पर तो ये जाहिर है कि वो एक अलग नज़रिए से देखेंगे। और ये ऐतिहासिक जेल जो है अब आम जनता देख पाएगी। महाराष्ट्र सरकार पिछले 1.5 सालों से इस पर काम कर रही थी, कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अटका हुआ था, लेकिन जैसे ही मौका मिला वैसे ही गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी के दिन आज ये घोषणा कर दी गई है कि आम जनता यरवदा जेल जा पाएंगे और बतौर पर्यटक देख पाएंगे इस पूरे जेल को। जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं ये पेड़ बेहद महत्वपूर्ण है। ये वही पेड़ है जिसके नीचे बैठकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पुणे करार हुआ था। इतने सालों बाद भी इस पेड़ को यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है और अच्छे से मेंटेन किया गया है। आम लोग जब आएंगे तब इतिहास के पन्नों में जो दर्ज हुई है ये बातें वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ देख पाएंगे। ये पेड़ भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और अगर आप अब यरवदा जेल आएंगे बतौर पर्यटक तो ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जरा आगे चलते पंडित मोतीलाल नेहरू जी की बैरक है, जरा कैमरा पैन करके आपको यहाँ पर दिखाएंगे, उनकी भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। और साल है 1930 के दौरान यहाँ पर इस बैरक में मोतीलाल नेहरू जी को रखा गया था। उनकी जानकारी भी ठीक उसी तरह यहाँ पर दीवारों पर लगाई गई है जैसे महात्मा गांधी जी के दौरान लगाई गई थी कि जब वो इस जेल में आए थे तब किन किन एक्ट्स के तहत उनको यहाँ पर रखा गया था। आगे एक और बैरक है ठीक मोतीलाल नेहरू जी के बगल वाले बैरक में, और ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का बैरक जिसमें लिखा गया है, ये जानकारी दी गई है कि 1930 के दौरान उनको यहाँ पर रखा गया था। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और अब आम जनता भी इसको देख पाएगी क्योंकि पर्यटकों के लिए इसको खोला गया है, खासकर
स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे जो आज तक इतिहास में ही ये सब पढ़ते आए हैं, लेकिन अब वो प्रत्यक्ष रूप से इसको देख पाएंगे और जान पाएंगे कि आखिर हमारा इतिहास क्या रहा है। जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उस वक्त क्या कुछ किया गया, एक तस्वीर आप देखिए, स्वतंत्रता से पहले की तस्वीर है ये, यरवदा जेल की बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर ये है। और उस वक्त और अब क्या बदलाव आए हैं ये भी हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पीछे भी आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये भी कारागृह की ही हैं, और यहाँ पर भी जो आम पर्यटक हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो आ पाएंगे। कुल मिलाकर यरवदा जेल के बाद अब नागपुर सेंट्रल जेल जो है वो भी आम जनता के लिए खोला जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार जो एक नई पहल कर रही है जेल टूरिज्म की, उसके तहत अब यरवदा जेल आप आकर देख पाएंगे कि आखिर क्या कुछ इतिहास में यहाँ पर घटा था। कैमरा पर्सन सुभाषिश दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। प्रत्येक सकाळ ताजी, प्रत्येक बातमी ताजी, तुमच्या काळजीची ताजा बातम्या, ताजा बुलेटिन, गुड मॉर्निंग महाराष्ट्र, रोज सकाळी 7 वाजल्यापासून TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।